अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं कुकर चिकन बोटी लेके आई हूँ, जो प्रेशर कुकर जो बनती है और बड़ी मज़ेदार और बड़ी टेस्टी बनती है। तो वेखन तो पहले पूरे वीडियो वेख्या करो, फिर उन्हें कमेंट किता करो, लाइक और सब्सक्राइब किता करो। अच्छा जी, मैं 1.5 किलो में गोश्त लिया, अच्छी तरह धो लिया, घर के मसाला जा रहे हैं, हल्दी, सुरख मिर्च, गर्म मसाला, काली मिर्च, अदरक, लहसुन, नमक और एक चिली सॉस का पैकेट मैं ले लिया। वो पावगी ना सिरका थोड़ा जि पावगी। चलो जी, सारे मसाले साथ मिक्स कर लेने हैं, अच्छी तरह मिक्स करा और पूरी वीडियो देखा करो, तो किसी का भला हो जाता है। लाइक और कमेंट भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। इन अच्छी तरह मिक्स करांगे ताकि साड़ी बोटियां अच्छे तरीके नाल सारा मसाला जज्ब हो जाए ना सिरके। मेरे को थोड़ी बोतल सिरके दी पई सी, मैं पूरी पाती, यानी कि तुम 2 तो 3 चम्मच चावल वाले नहीं खाने वाले वो पाओ। फिर उस पर चिली सॉस तो मेरे को पैकेट पिया सी, मेरे को एक ही पैकेट पाया, मैं कहा चलो इनका भी थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए कम, मजा लगता है। तो मसाला ला के मैं 1/2 घंटा वास्ते या 1 घंटे वास्ते रख लिया ताज़ा गोभी। तो थोड़ा जि मैं मैदा छिड़किया ताकि चिकन का कड़ा पानी निकले तो मसालों के नाल चिपका रह जाए। तो डस्ट करने का ये मतलब है कि मसाला बूटिया के नाल चिपका रहे। तो आलू भी हूँ कुकर से रखा इनू 2 तो 3 2 3 चम्मच चावलों वाली चम्मच होंगे खाने वाले चावल चम्मच, वो मैं 3 चम्मच घी लिया। तुसी ऑयल ले लो, तो बोटियां तुसी हल्की पहले उन्हें गर्म कर लो, लाइट जल का जो गर्म कर लोगे तो फिर सारिया बोटियां एक दूसरे के उत्ते रख देना। फिर हल्की आँच से कुकर नू जो तुहाड़ी बोटियां एक दूसरे उत्ते रखी जाए तो हल्की आँच से ना कि चावल दम नहीं दे दो, उम्मीद दम दे दो, यानी प्रेशर का बंद करके सीटी लगा दो। तो 1/2 घंटा वास्ते, 1/2 घंटा बहुत मुश्किल होया कि मेरा गोश्त या कंडीशन हो गया। तुम वेख लो अच्छी तरीके घी छड़ी गया, बोटियां फ्राई हो गई ने। तो मैं ये कराँगी कि इन एक और मैं रैसपी बनानी है आलूआ वाली, क्योंकि मेरा बेटा चिकन नहीं खाता। तो मैं यह हूँ बोटियां तवे पर कढ़ा, गर्म तवा तुम एक तरफ कर लो फुल, उन्हें मैं बोटियां तवे पर रखा ताकि साड़ी बोटियां हल्का हल्का जो ब्राउन आ जाए ना, जिमें बोटी तिक्की बोटी तो आती ब्राउन ब्राउन ज रंग आ जाएगा, तो बड़ी मजेदार बन गई। इो प्रेशर कुकर जो चिकन का मसाला से उन्हें घी से, ये मैं आलूआ का मसाला बनावगी, जिंद मैं टमाटर पाँच मैं टमाटर पाए ने, 2 प्याज पाए ने, 5 आलू लेने, सब्ज मिर्चा लिया, यह सारा कुछ पा कर इो घी पा देना और इनू भी दम लगा देना नमक मिर्च पा के, नमक मिर्च जिन्ना तुम मसाला खाते हो, और इनको अच्छी तरह मिक्स करो तो थले करके कुकर की सीटी चला दो। एक सीटी आलू गल जाएंगे हल्के हल्के प्याज, बड़े मजेदार लगते हैं चिकन के नाल जो तुम खाओ के, यानी कि मेरा बेटा नहीं खाता तो मैं उन्हें बना के देनी है। तो हूँ मैं ना जी मेरी बूटियां तवे पर सी, हूँ मैं उन्होंने सारी बूटिया डिश में निकालांगी, तो दूसरी तरफ अपने आलू तैयार हो जाएंगे और झटपट 1/2 घंटे या 45 मिनट में मेरी रैसपी तैयार हो गई है। तो बड़ी मज़ेदार खाने बहुत मज़ेदार सी रहते, दही ना तुम डिश सर्व करो ना ना तुम खा सकते हो। तो आखो बड़े मज़ेदार टमाटर ने, कोई टमाटो कैचअप की जरूरत नहीं पी क्योंकि टमाटर ही असें बड़े ज़्यादा पा ले, 5-4 बड़े बड़े टमाटर पाए सी, बहुत मज़ेदार बहुत यमी है। सारे घर वाले बड़ी पसंद आई, लाइक करना सब्सक्राइब करना और हेल्प की, थैंक यू वेरी मच।